स्वीकार तो करना पड़ेगा कि कोरोना ने आखिरकार आपकी जिंदगी बदल दी है। कोरोना को लेकर कई असमंजस है, जिस पर नहीं बीती उसके लिए कुछ भी नहीं, तो जिस पर इसका प्रहार हुआ उसके लिए कोरोना दुश्मन से बढ़कर कुछ नहीं। आज हम आपको चिकित्सकों की सलाह के मुताबिक कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे कई सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। दरअसल कोरोना में श्वास का कोरोना से सीधा कनेक्शन है। इसकी जांच करने के लिए कई लोगों के कई तरीके हैं, लेकिन चिकित्सकों के मुताबिक एक व्यक्ति को 6 मिनट तक नॉर्मल वॉक करवाया जाता है, उसके बाद उनका ऑक्सीजन का स्तर जांचा जाता है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल जो कि सामान्यतः 97 से 99% तक रहता है और वो वॉक करने के पश्चात घटता जाता है, या यूं कहें कि करीब 6 से 8% तक की गिरावट दर्ज की जाती है, तो हो सकता है कि आपके लंग्स में कोरोना इफेक्ट शुरू हो गया है। ये निमोनिया बढ़ने से पहले की एक चेतावनी है जिस पर आपको चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि यदि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो हमें क्या करना चाहिए। चिकित्सकों के मुताबिक इस पर 3 स्टेज है। पहली माइल्ड फॉर्म आती है, जो कि सामान्य पहली स्टेज होती है, जिसमें आपको हल्का गले में खराश, बुखार या बॉडी पेन जैसा कुछ होता है। दूसरा मॉडरेट फॉर्म, जिसमें आपको निमोनिया बन रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और तीसरा सीवियर फॉर्म होती है, जिसमें आपके दोनों फेफड़ों में निमोनिया है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही है। ऐसे में यदि आपको पहली स्टेज यानी कि माइल्ड फॉर्म हो, तो चिकित्सक आपको होम क्वारंटाइन की सलाह दे सकते हैं। होम क्वारंटाइन से तात्पर्य आपको एक लिमिटेड एरिया में, मतलब एक रूम में रहना है जिसमें अटैच बाथरूम हो। आपको चिकित्सक द्वारा निर्देशित कुछ दवाइयां समय पर लेनी है और समय समय पर बॉडी टेम्परेचर, पल्स और ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहना है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पुरानी कई बीमारियां हैं, तो उसे पहले ही स्टेज से अवेयर होकर चिकित्सक की सलाह लेकर एडमिट होना चाहिए। यहां यह भी सवाल उठता है कि यदि मैं किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया हूं, तो क्या मैं पॉजिटिव हो सकता हूं? ऐसे में यदि कोई आपको क्रॉस कर गया हो, तो आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन यदि क्लोज कॉन्टेक्ट, जैसे कि आप बिना मास्क के पॉजिटिव मरीज के पास में 3 फीट की कम दूरी में यदि 15 मिनट से ज्यादा बैठते हो, तो हो सकता है कि आपको कोरोना हो जाए। यदि आपको 2-3 दिन बाद पता चलता है कि जिसके आप क्लोज कॉन्टेक्ट में आए हो और वो पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है? सामान्यतः तो एक्सपोज होने से 5-10 दिन में लक्षण नजर आने लगते हैं, लेकिन कई लोगों में 5 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई देने पर भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि आप ठीक हो जाते हैं, तो तसल्ली के लिए आपकी इच्छा होती है कि क्या वापस टेस्ट कर लिया जाए, क्या आप नेगेटिव हो गए हैं, क्या आप अपने परिवार के सदस्यों से अब मिल सकते हैं। वैसे चिकित्सकों की माने तो यदि आपको 10 दिन हो गए हो और आपके सिम्टम्स शुरू हुए और पिछले 3 दिन से आपको बुखार बिल्कुल भी नहीं आया, आप हेल्दी महसूस कर रहे हैं, आपको इस अंतराल में कोई तकलीफ नहीं हुई है, यानी 10 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है, तो आपको वापस टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कई लोगों की 14 दिन की अवधि के बाद भी दोबारा रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप इन्फेक्टेड हैं। हो सकता है कि आपकी बॉडी में वायरस है, लेकिन वो डेड वायरस है, जो कि आपकी बॉडी को इंपैक्ट नहीं कर रहा हो और आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यहां यह भी सवाल उठता है कि यदि एक बार पॉजिटिव आने के बाद क्या आप दोबारा पॉजिटिव हो सकते हैं? यदि आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, तो दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके ना के बराबर है, चाहे आप दोबारा पॉजिटिव ही क्यों ना हो जाए। यदि आप लगातार 28 दिन तक पॉजिटिव आने के बाद बिना किसी तकलीफ के हेल्दी महसूस कर रहे हैं, तो आप सिक्योर हैं। वैसे कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होने की जरूरत है, लेकिन जिनको हार्ट, डायबिटीज, श्वास, किडनी की समस्या हो या जो स्मोकर हो, उन्हें सामान्य इंसान से ज्यादा सेफ्टी की आवश्यकता है। चाहे चिकित्सकों ने इसके लिए 3-डे फ्लू चार्ट भी बनाया है, जिसमें संतरे का जूस, नारियल पानी के साथ साथ खीरा, टमाटर खाने की सलाह दी गई है। हल्के में लेने वाले लोग कोरोना को सावधानी रखकर ही हरा सकते हैं। ना समझी और लापरवाही आपको नहीं तो आपके परिवार के लिए परेशानी बन सकती है। ध्यान रहे, आप आपके लिए नहीं लेकिन परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कोरोना से डरने के बजाय उससे लड़ने के लिए सावधानी जरूर रखें। हो सके तो आप भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। ध्यान रहे, खुद वायरस चलकर आपके पास नहीं आएगा, आपकी सावधानी ही आपको बचा पाएगी।